वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, क्रिकेट का खुमार छाने वाला है, दनदनाते चौके और लंबे लंबे छक्के, दर्शकों के दिल की धड़कन बढ़ने वाली है। पर क्या आपने सोचा है कि जिस बैट से रोहित, विराट, गिल सहित दुनिया के और भी क्रिकेटर लंबे छक्के और गोली की रफ्तार वाले शॉट लगाते हैं, वो किस लकड़ी से बना होता है? आखिर ये बैट क्यों स्पेशल होता है? ये वीडियो हमने उत्तर प्रदेश के मेरठ में शूट किया है, जहां के स्पोर्ट्स मार्केट में ये बल्ले तैयार होते हैं। इन कारीगरों को आप देख सकते हैं कैसे ये बैट तैयार कर रहे हैं। सारे बल्ले बीसीसीआई के नियमों के हिसाब से बनते हैं। इन्हें ठीक से छीलकर मशीनों पर घिसते हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद एक खास बल्ला तैयार होता है, जिसे विलो नाम के लकड़ी के पेड़ से तैयार किया जाता है। इंग्लिश विलो पेड़ की लकड़ी से बने बैट क्रिकेट खेलने के लिए बेस्ट माने जाते हैं, इसलिए मार्केट में इस लकड़ी से बने बैट की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। हमारे क्रिकेट टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो मेरठ के बने बल्लों से खेलते हैं, और दुनिया भर के कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो मेरठ से ही बैट मंगाते हैं। भैया, देखा जाए तो हमें अपने जब क्रिकेट बैट की हम बात करते हैं, जो प्रोफेशनल तौर पर खिलाड़ी खेलते हैं, सबसे ज्यादा दो तरह की चीजें देखने को मिलती है कि लोग कश्मीरी विलो की भी डिमांड करते हैं और इंग्लिश विलो की भी। जो प्रोफेशनल तौर पर सबसे ज्यादा बैट का उपयोग होता है वो कौन से बैट, कौन सी लकड़ी होती है? देखिए, प्रोफेशनल रेंज में जितना भी बैट, जिस बैट से खेला जाता है, वो सिर्फ इंग्लिश विलो का इस्तेमाल किया जाता है। कश्मीर विलो का जो बच्चे खेलना शुरू करते हैं या अपने पार्क में खेल रहे हैं या गार्डन में खेल रहे हैं, अपने अपने शौक के लिए खेल रहे हैं या टाइम पास के लिए खेल रहे हैं, वही कश्मीर विलो इस्तेमाल करते हैं। जो भी प्रोफेशनली खेलते हैं वो सिर्फ इंग्लिश विलो का बैट इस्तेमाल करते हैं। अगर दोनों बैटों में अंतर की बात की जाए तो कौन सा ज़्यादा बेटर बैट रहता है? देखो, वजन से लेके क्वालिटी तक सब सारा ही फर्क है, क्योंकि जहाँ कश्मीर विलो 1500 और 2000 रुपये तक का बैट है, वहीं इंग्लिश विलो जो है 4000-5000 रुपये से शुरू होकर 100000 रुपये के आसपास तक का बैट है। इंग्लिश विलो में सबसे ज़्यादा क्या खासियत होती है? इंग्लिश विलो एक लाइट वेट होता है, दूसरी बात जो उसमें स्ट्रोक होती है वो कश्मीर विलो से कहीं गुना ज़्यादा होती है। मतलब कह सकते हैं कि जब देखते हैं कि लंबे लंबे चौके छक्कों की जो बरसात होती है वो इंग्लिश विलो के माध्यम से होती है, उसके लिए इंग्लिश विलो बैट का होना अनिवार्य है। मेरठ की अगर हम बात करें तो कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके सबसे ज़्यादा डिमांडेड बैट होते हैं? देखिए, मेरठ की जो प्रमुख क्रिकेट से संबंधित हमारी फर्म है वो SS और SC, जिनसे सारे ही हमारे हिंदुस्तान की टीम ही नहीं, वो और अन्य देशों के खिलाड़ी भी खेलते हैं। कह सकते हैं कि आप मेरे ये भारत की प्रमुख कंपनियों में गिनी जाती हैं? बिल्कुल, भारत की नहीं, ये विश्व की प्रमुख कंपनियों में गिनी जाती हैं, खेल से संबंधित कंपनियों। आज भी यहाँ जो बताते हैं कि बैट को तैयार करने में हाथ की कारीगरी होती है, क्या वो इंग्लिश विलो के बैट में भी की जाती है? देखिए, ज़्यादातर बैट में हाथ की ही कारीगरी होती है, मशीन का बहुत कम इस्तेमाल होता है। मेरठ से विशाल भटनागर की रिपोर्ट।